हे गाइस, मैं मंदी और मेरी पेज मेहंदी केक एंड कुक पे आपका बहुत स्वागत है। बहुत ही कमाल की रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से चलते हैं किचन में और देख लेते हैं कि आज हमारे किचन में क्या बन रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाने वाले हैं, उसके लिए हमने 1/4 कप बादाम की गर्म पानी में भिगो के छिलका निकाल दिया। जब वो सॉफ्ट हो गए थे तो इसको मिक्सी में डालेंगे और इसका फाइन पेस्ट रेडी करना है। पहले हमने बिना पानी के इसको पीस लिया और इसके बाद हमने थोड़ा सा पानी डाला इसको और बहुत ही एकदम फाइन पेस्ट बना के रेडी कर लिया। इसको रेसिपी में यूज़ करने वाले हैं तो इसको हम साइड पर रख देंगे। इसके साथ हमारी रेसिपी में बहुत ही बड़े वाला फ्लेवर आने वाला है जो आपने पहले कभी नहीं ट्राई किया होगा। तो यहाँ पर हमने पनीर के ऐसे बड़े बड़े पीसेस कट कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल लिया है 3 से 4 टेबलस्पून, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेने वाले हैं हम। और इन पनीर के पीसेस को हमने डायरेक्टली ऐसे ही फ्राई कर लेना है और फ्राई करने के लिए हमने फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। अगर आप लो फ्लेम पर इसको फ्राई करते हो तो ये थोड़े चुई टाइप के हो जाएंगे। तो हमने इसकी साइड चेंज करके बढ़िया कलर आने तक सारे पनीर के पीसेस को अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्लेम को आपने लो बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो जो पनीर का टेस्ट है वो बिगड़ सकता है। तो लीजिए, बहुत ही कमाल के जो पनीर के पीसेस हैं अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। तेल में से निकाल लेंगे और इसको पानी में हमने डाल देना है, जिसके साथ ये सॉफ्ट हम बने रहेंगे और खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो इसको साइड पे रख दिया है, वही वाला तेल यूज़ करने वाले हैं। थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं जो स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको थोड़ा सा टाइम कुक करेंगे, इनका जो फ्लेवर है बढ़िया से हमारे ऑयल में आ जाएगा। तो यहाँ पर नमक मिर्ची जो डाले हैं वो भी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। फ्लेम को लो रखेंगे और इन सब चीज़ों को हमने कुक कर लेना है। थोड़ा सा पानी डालेंगे कि ये मसाले बर्न ना हो जाएं और इनका टेस्ट बढ़िया सा बरकरार रहे। तो यहाँ पर हमने 2 प्याज को पेस्ट कर लिया था बिना पानी डाले, पानी नहीं डालना है, ऐसे ही प्याज को पेस्ट कर लिया है। तो इसको हमने कुक करना है बढ़िया सा, तो इनमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा पानी डालेंगे कि ये बर्न ना हो। बहुत ही अच्छे से पकाएंगे, कवर करके 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हमने इसको पका लेना है। तो इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, तो स्पैचुला के साथ इसको चला लेंगे। तो जो बादाम का पेस्ट हमने बना के रखा था इस स्टेज पर वो डाल देंगे और मिक्सी के जार में पानी डाल के वो भी इसमें डाल दिया है, कुछ भी वेस्ट नहीं करने वाले हैं। इसको हमने बढ़िया सा मिक्स दे देना है और इसको भी हमने अच्छे से पकाना है, कवर करके 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो पनीर के पीसेस हमने ट्रायंगल शेप में कट कर लिए है, किसी भी शेप में कट कर लो, टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर हमने बस सिंपली ट्रायंगल शेप में कट कर लिए हैं पनीर के पीसेस। मलाई ली है 3 टेबलस्पून और फ्रेश दही यूज़ करना है 4 टेबलस्पून, खट्टा दही हमने यूज़ नहीं करना है। इसको मिक्स कर लिया है, मसाला को चेक कर लेते हैं और इसने बढ़िया ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। स्पैचुला के साथ थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको अच्छे से, और जो हमने यहाँ पर दही और मलाई को मिक्स करके रखा था इस स्टेज पर वो भी डाल देनी है और स्पैचुला के साथ इसको बढ़िया सा मिक्स करना है, लगातार चलाते जाना है जब तक इसमें बबल्स क्रिएट नहीं हो जाते, नहीं तो दही के फटने के चांसेस होते हैं, जिसके साथ आपकी ग्रेवी का टेस्ट और उसकी लुक एकदम से ख़राब हो जाएगी और जो आपने मेहनत की है ना वो बेकार हो जाएगी। इसलिए थोड़ा टाइम स्पैचुला को लगातार ज़रूर से चलाते रहें। बबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं, आप देख सकते हो। तो इस स्टेज पर हमने स्पैचुला को रोक कर इसमें पनीर के पीसेस डाल दिए हैं जो हमने फ्राई करके और ट्रायंगल शेप में कट करके रखे थे। तो इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए हमने थोड़ी सी पाउडर शुगर डाल दी है। इसके साथ कोई सब्ज़ी आपकी मीठी नहीं होगी, बल्कि जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसको ज़रूर से डालें। तो यहाँ पर हमने इसको कवर करना है, तब तक पकाना है जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो लीजिए, ऑयल सेपरेट हो चुका है, सब्ज़ी के बिल्कुल ऊपर आ गया है, आप देख सकते हो कलर कितना अच्छा आया है। जब आप रेस्टोरेंट में जाके सब्ज़ियाँ ऑर्डर करते हो, बिल्कुल महंगे दाम में सब्ज़ियाँ ट्राई करते हो,
तो इसीलिए जाते हो कि कितना अच्छा उसका लुक होता है, कि वो खाने में बहुत अच्छी होंगी। पर वही वाली सब्ज़ी कम दाम में हाइजीन के साथ, प्यार के साथ जब आप अपने घर पे बना सकते हो, तो हमें बाहर से सब्ज़ी लाने की क्या ज़रूरत है। तो मेरे कहने पे एक बार बादामी पनीर की रेसिपी अपने घर पे ज़रूर से ट्राई करके देखें। बच्चों से लेके बड़ों तक ये रेसिपी डेफिनेटली सबको बहुत ही पसंद आने वाली है, मज़े आने की फुल गारंटी है। ज़रूर से ट्राई करके देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।